हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम है सुबह का और यहाँ मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी, उसी के लिए मैं यहाँ पानी गर्म कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं कप में कॉफ़ी डाल दूँगी आधा चम्मच और शक्कर और गर्म पानी, और फिर यहाँ मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। मैं दूध की चाय नहीं पीती हूँ और आज मैं आपके साथ एक आसान सी रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें तेज पत्ता और दालचीनी और अनियन को बारीक चॉप करके डाल दिया, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए जब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे मतलब। और फिर इसमें हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे हम सोया जो कीमा होता है वो बना रहे हैं। तो ये देखिए, जब इसको अच्छे से भूनने के बाद जब इसका तेल सेपरेट हो जाए तब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीन चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले ना जलें और अच्छे से कुक हो जाएँ। ये देखिए, जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगेगा तब हम इसमें, और यहाँ आँच को हम मीडियम रखेंगे, तो जब इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। आप चाहें तो यहाँ पीस के भी टमाटरों को ऐड कर सकते हैं, या हमने कट करके चार बड़े टमाटर लिए थे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएँ, कुक हो जाएँ अच्छे से। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के एकदम लो फ्लेम पर रख देंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो चम्मच की सहायता से इसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे, इस तरीके से। ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े हल्के खड़े रखेंगे तो मैश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सोया कीमा को पहले से सोख करके रख लिया था और इसका पानी अच्छे से निचोड़ के एक छन्नी में रख दिया था, इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। आप अगर चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ नहीं ऐड किया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप के करीब मटर ऐड कर देंगे। इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था मटरों को, तो ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से ऐड करके ढककर लो फ्लेम पे पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखने लगा है, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो सोया होता है वो पानी सोख करता है, नहीं तो ये एकदम से ड्राई ड्राई सा बने, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसमें हमने हरी लाल मिर्च डाल दिया है 4 कट करके, आप चाहे तो डालें वरना रहने दें। इसको हम ढक्कन लगा के लो फ्लेम पर और पकने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद हम इसको एक बार और चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा सोया अच्छे से कुक हो गया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में। ये देखिए, ऑयल भी थोड़ा सेपरेट हो गया है और हमारा सोया यहाँ बन के एकदम तैयार है। हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और ये खाने के लिए एकदम तैयार है। ये देखिए, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना खाने। आप इसको पराठे के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मैं इसको चावलों के साथ खा रही हूँ तो। और ये बहुत ही अच्छा बना था, तो आप भी ट्राई करें एक बार और ज़रूर कमेंट करके बताएँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर खा रही थी, फिर इसके बाद ये देखिए, आप भी खा लीजिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So guys, हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, तो चलिए फिर चलते हैं।